हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सीन ये है कि आज है सैटरडे और सैटरडे है, वीकेंड आ चुका है, तो समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं तो प्लान करना बनता है। अब अपने पास बेबी भी है, एक हमेशा मन करता है नए चीज़ें दिखाना है उसको, थोड़ा सा पुणे का एक्सप्लोर करवाना है, तो इसी चक्कर में हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर। प्लस पापा मम्मी भी हैं यहाँ पे, तो जब फैमिली साथ में हो और फ्रेंड साथ में हो तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे घूमने का तो मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा मन है अपने को। बट वही ये बीच में थोड़े 9 महीने बहुत रेस्ट्रिक्शन करके हमने गुजारे, बट ठीक है। अभी जब सब अभी हो चुका है, नॉर्मल हो चुकी है, 1 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है स्पेशली तान का, तो अभी हम लोग कहीं प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अराउंड आई थिंक 35-40 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस में है, एक मंदिर है। सो इस मंदिर का नाम है श्री स्वामी नारायण टेम्पल। ये वही ग्रुप है जिन्होंने अक्षरधाम बनाया है, और बहुत ही अच्छा उसका जो आर्किटेक्चर वगैरह आप देखोगे ना, बहुत ही अमेजिंग ये लोग बनाते हैं। तो वही है सीन अभी का, आपको दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है हमारे घर पे। बच्चे का सारा सामान हर जगह पे आप देखोगे तो उन्हीं का मतलब तान का ही सारा जगह पे सामान है। प्लस कल से हुई है बहुत ज़ोर वाली बारिश पुणे में, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है, बट बहुत हद तक नहीं हुआ है। अभी तो बहुत अच्छा है, मस्त है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, अभी शाम के बज रहे हैं 4:18, तो हमको 5 o'clock से पहले वहाँ पे एंटर करना अच्छा है, 5:15 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा अमेजिंग आपको देखने मिलता है। वो है कि सनसेट, क्योंकि उसके ठीक मंदिर के पीछे सनसेट होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर बारिश नहीं होती और क्लाउडी नहीं रहता तो हम लोग सनसेट देख लेंगे। तो चलते हैं अभी और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है। हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आलोक और निवेदिता आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शफलिंग होगा गाड़ी में। ये तान तो यहाँ पे मस्त सो गया है, टेंशन नहीं है। चलो हाँ चलो। सो अभी आगे आलोक की गाड़ी है और पीछे हमारी गाड़ी है, अर्पिता भी उधर है, अर्पिता और तान और हम लोग तीनों अब यहाँ पे अंदर पहुँच गए। अभी हम लोग जीएम रोड, अभी टाइम दिखा रहा है और 12 किलोमीटर और 40 मिनट यहाँ से। बहुत भीड़ है आज रास्ते पे, पता नहीं क्यों। सैटरडे तो मतलब लोग, सब लोग ऐसे लग रहे घर से निकल चुके हैं आज। ऑफिस कोई नहीं पहुँच रहा है जिसको बोला जा रहा है, लेकिन घूमने लोग जरूर निकल रहे हैं। जैसे हम लोग भी निकले हैं ना, हम लोग भी निकले हैं, पर मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ। सो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ से दिखा रहा है और 7 मिनट का रास्ता, तो ये आगे हम लोग बैंगलोर हाईवे की तरफ। ये इस साइड जाओगे तो कतरज है, और इस तरफ आओगे तो बैंगलोर हाईवे, मतलब टूवर्ड्स बैंगलोर आप जा सकते हो। यहाँ से सीधा बैंगलोर जा सकते हो, गोवा जा सकते हो, महाबलेश्वर भी जा सकते हो। जैसे पर थोड़ा सा रुक के हाईवे का नज़ारा देख रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फोटोग्राफी कर लेते, उसके बाद जाएंगे देखने मंदिर। वाह लास्ट टाइम मैं आया था 2018 में, कि 2019 में मैं लास्ट आया था, मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। तो लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपने को दर्शन मिला था, और आरती होती है 7 बजे, आज भी शायद होगी, मतलब मैं जिस टाइम में अभी एंटर कर रहे, अभी बज रहे हैं 6:05, आरती उस टाइम में हो रही थी, बट आज का पता नहीं मुझे कि आरती हम लोग देख पाएंगे कि नहीं, मौका मिलेगा कि नहीं। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, पता नहीं लोग रुक क्यों रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये गेट है, ये एक गेट है, बट मेन गेट ये देखो, ये है टेम्पल, ये है गेट, तो हम ये वाला टेम्पल है, और यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। 2 गेट है, हाँ, तो मेन गेट उस साइड ही है, यहाँ से पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी वगैरह की। हाँ इधर यहाँ पे कैंटीन भी खुल गई है, पार्किंग मिल जाए पहले तो पार्किंग, उसके बाद लगता है लंबा लाइन खड़ा होना पड़ेगा।
तो ये रही मंदिर और यहाँ से है पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग का। यहाँ से जाके टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग आपको यहाँ पे मस्त मिल जाएगा, बहुत पार्किंग है, मतलब कम से कम 100-150 गाड़ी इजीली आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी जगह है पार्किंग की स्पेशली। तो गाइस इतनी ह्यूज पार्किंग स्पेस है यहाँ पे कि क्या बताऊँ आपको, कम से कम 150-200 गाड़ी आराम से इजीली आ सकती है। और ये रही पीछे मंदिर और यहाँ से हम लोग एक्चुअली ये जो आपको दिख रही है ना ये ऊपर, तो हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे हमारे यहाँ से कॉलेज, मेरा कॉलेज जो था वो बातें विद्यापीठ अराउंड आई थिंक 5-6 किलोमीटर्स के रेंज पे ही था, तो हम यहाँ पे आते थे ऊपर ट्रेकिंग करके जाते थे। तो मुझे अब याद आ रहा है ये एरिया तब था नहीं, ये अभी रिसेंटली बना है 3-4 साल हो रहे इस जगह को, स्पेशली ये मंदिर को। बड़ा अच्छा लग रहा है, तान को लेके पहली बार आ रहा हूँ, ऐसे पापा मम्मी को भी लेके पहली बार ही आ रहे हैं हम लोग, और तान के साथ उनका भी आना हो गया तान के वजह से, ये तो अच्छी बात हो गई। नहीं बेटर है, रो रहा है, रो रहा था, टोपी पहना दिया मैंने तो उसको, भल लग जाए। देखिए चलो देखिए की बोशी मस्त मस्त लग जाए, चलो देखें दाड़ा। तो गाइस हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है बहुत सारा सामान, मम्मी लेके गई है तान को, तो सामान देखो क्या क्या है। ये देखो सारा सामान यही है, बैग है ये है जो कि अलाउड नहीं है, इसके वजह से मम्मी और निवेदिता दोनों ने अपने अपना पर्स यहाँ पे छोड़ के ये लोग चल गए, ये लोग जा रहे हैं तान को लेके गए स्पेशली ऊपर दर्शन करने के लिए, करवाने के लिए भगवान जी का। तो अभी मम्मी लोग जा रही है ऊपर, अभी 7 बजे आरती है, तो हम लोग यहीं से सुनने वाले हैं। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है इस गार्डन एरिया में निवेश करना मना है, बट जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, दो की ब्रोक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको गार्डन एरिया जब बनाया तब तो अलाउ करना चाहिए, पता नहीं क्यों अलाउ नहीं कर रहे। नहीं तोड़ेंगे, कोई भी नहीं तोड़ेगा, सब रेस्पॉन्सिबल है। सब कमेंट पे सबसे पूछो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे या तो लोगों देखते कमेंट करो। तो गाइस मम्मी लोग तो आन को लेके गए, बट काइंड ऑफ आरती ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो वो लोग वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे। 7 o'clock से पहले आपको अंदर आना है, दिस इज़ द रूल। तो गाइस तानिया सो रहा है, बट अच्छी बात ये हो गई इसके दर्शन हो गए यहाँ पे, मम्मी लेके गई थी और सारा दर्शन करवा के आई है। दर्शन करते करते सारे भगवान से आशीर्वाद लेके फिर अब यहाँ पे आके सो गया। तो गाइस मस्त लाइट चेंज हो रही है, ये देखो कितना बढ़िया मस्त दिख रहा है, सारी लाइट चेंज हो रही है। तो गाइस यहाँ चल रही है भोजन, यहाँ पे दर्शन के बाद करते हुए लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ ही है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी कैंटीन मिल जाएगी नहीं खाने के, पहले इतना बड़ा नहीं था ना, लास्ट टाइम था क्या इतना बड़ा, भीड़ कम था शायद, बहुत ज्यादा भीड़ है। सो गाइस हम आ गए अभी गावरान थाली, और सीन यहाँ पे है कि यहाँ पे बस थाली मिलती है, थाली नहीं मिलती है यहाँ पे, आला कार्ट भी मिलता है बट हमने थाली ऑर्डर किया है मटन थाली, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है। महाराष्ट्रन फूड बहुत ही मतलब स्पेशली इस टाइप के रेस्टोरेंट्स, एक है सुरवेज,
सुरवेज एक बहुत ही अमेजिंग, आपको महाराष्ट्रन थाली, महाराष्ट्रन अगर आपको मटन वगैरह खाना है तो सुरवेज में डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थाली वाला नाम देख गया अपने को, इसलिए हम थाली अभी ट्राई करेंगे। तो गाइस मम्मी तान को लेके अभी यहाँ पे, उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे घूम ही रही है जब तक ऑर्डर आता है। तो गाइस जब तक ऑर्डर आता है तब तक उसको सुलाने का कार्यक्रम चल रहा है बच्चे के लेकर। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग घूम रहे हैं, हमारा पहला एक्सपीरियंस है तो अच्छा एक्सपीरियंस है। वो वैसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, चिल्लाता एकदम ही नहीं है, खाली जब भूख लगती है तभी उसको थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है लगता है, या फिर उसको नींद आती है, बस ये दो चीज़ों के लिए उसको लगता है, बाकी वो एकदम मस्त रहता है, एकदम मस्त इधर उधर सबके पास चला जाता है, टेंशन नहीं है। सो गया, सब वेट कर रहे थे, अब ये सो चुका है, अब आराम से सब खा सकते हैं, स्पेशली मम्मी। और कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा टायरिंग था, मजा आया। इतने दूर आने में टायरिंग लग गया, एक्चुअली आने जाने में ज्यादा टायरिंग लग गया। मंदिर तो बहुत सुंदर, मंदिर तो मस्त था, जितना कैलोरी बर्न हुआ है उसका इंटेक चल रहा है अभी। दर्शन किया, तान भी एकदम मस्त जाके दर्शन हो गया, मम्मी लेके चल गई।